सोमवार देर रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होगी कमी। पेट्रोल 2 रुपए व डीजल 3 रुपए तक हो सकता है कम। पंजाब सरकार पर भी डीजल में वैट दर कम करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार देर रात से कमी के समाचार ने वाहन चालकों के चेहरे पर रौनक बढ़ा दी है। इससे पहले ऑयल कंपनियों की तरफ से 15 अगस्त की कीमतों में कटौती की गई थी, जिसके बाद और भी कमी होने के संकेत मिल रहे थे। जिस प्रकार से कीमतों में गिरावट हो रही है, उस अनुपात से पेट्रोल व डीजल के रेट में कमी नहीं हो रही। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के अनुसार सही पेट्रोल व डीजल के रेट में कमी की जाए, वही महंगाई में राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम होते सारी महंगाई बढ़ जाती है, जे ये घट जाती है तो उत्तर महंगाई घटती है। तो मैं समझना कि जो डीजल के पेट्रोल के रेट घट रहे, अच्छ भी पता लग्या कुछ 3 रुपए के करीब घट जा रहा रात में, तो यह उम्मीद करना कि ये महंगाई में बड़ी नत्थ पेगी। तो पेट्रोल डीजल तो हर बंद की एक जरूरत बन चुकी है। अच्छे उम्मीद करना कि पेट्रोल डीजल जो कीमत घटिया वो महंगाई भी घटेगी। तो भी पेट्रोल के और डीजल के रेट घटने वाले, ये घटने के आम पब्लिक बहुत फायदा होगा। जिड़ी कि महंगाई जिमें प्याज और कई गल् ने, इदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि बहुत महंगा हो चुका है, थोड़ा जहा रेट घट जाएंगे वो आम पब्लिक वास्ते एक बहुत वधिया असर पेगा। हो सकता महंगाई तो नत्त पाई जाऊगी थोड़ी थोड़ी, अगर इदा भी पेट्रोल का डीजल के रेट घटने तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट घटने तो वह उसे फर्क पै सकता कि आम पब्लिक का भला हो सकता। अब देखना ये होगा कि पेट्रोल व डीजलों की कीमतों में हो रही लगातार गिरावट के चलते बसों व अन्य ट्रांसपोर्टेशन के किरायों में कब कमी होगी। लुधियाना से विपिन व जसवी जस्सी की रिपोर्ट।